मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा, राजस्थान, उसके साथ गुजरात और महाराष्ट्र, ये चार राज्यों में ये हाईवे जा रहा है और ये हाईवे हमारे लोगों ने निर्माण किया, उनका तो मैं अभिनंदन करूंगा ही, पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी सरकारी यंत्रणा अगर हमको सहयोग नहीं करती तो शायद ये काम संभव नहीं होता। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ खड़े हैं, विशेष रूप से उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को और विशेष रूप से मेरे जो केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, वो भी हर बार जो भी समस्या आती है, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, आपने जो किया वो मैंने किया था, मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था तो रामटेक में वो रोड बन रहा था तो मेरे पत्नी को बिना बताए सासरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा, यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए, और आपने ये भूमिका ली, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही लोग देश में काम कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमको सहयोग किया और आज वो रोड बन रहा है जो मैंने देखा। मैं हृदय से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पत्रकार बंधु, आज आप दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, आपसे बात करने का निश्चित रूप से हमारी सबकी कोशिश भी है, समय की कमी है। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया, मनोहर लाल जी ने जितनी मांगे की है वो जरूर फिर से डिटेल में हम करेंगे, कुछ बाकी रहा तो हाँ। और निश्चित रूप से हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा चौफेर विकास कर रहा है और उनके साथ हम भी पूरी ताकत और शक्ति के साथ हरियाणा का, दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे, ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति दिलाने के लिए 52,000 करोड़ हम दिल्ली में खर्चा कर रहे हैं और उसके साथ साथ मनाली का भी मैंने बताया, जो आपका वो काम नक्की निश्चित रूप से जितनी बातें आपने बताई है